उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने लगे हैं, बाल उम्र से पहले बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और आप किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो आपके बालों को काला भी कर दे, घना भी कर दे और बालों को झड़ने से बचा दे। हाँ, आपकी उम्र कम है, आप आसानी से हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं, प्री मैच्योर ग्रे हेयर की समस्या को दूर कर सकते हैं। पर मैं बोलूँगी आपको दोस्तों, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 65-70 साल के हैं, इस उम्र में चाहेंगे कि हमारे सफ़ेद बाल काले हो जाएं, तब तो बड़ा कठिन है। एजिंग की प्रोसेस को हम लोग नहीं रोक सकते, उम्र के साथ साथ बालों का सफ़ेद होना बिल्कुल नॉर्मल है। आपकी उम्र कम है, 25-30 साल के हैं ना, तो आसानी से इस रेमेडी के द्वारा बालों को लंबे समय तक काला, घना और मजबूत बना सकते हैं। बालों की जड़ों को हम पोषण देंगे, नरिशमेंट देंगे, जिससे अपने आप बालों की जड़ें स्ट्रांग होंगी और हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। बीटरूट लिया है, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ बीटरूट लेना है, करी लीव्स लेना है जिसे हम लोग कढ़ी पत्ता भी कहते हैं, मीठा नीम भी कहते हैं, खाने में भी इस्तेमाल करें और लगाने में भी इस्तेमाल करें। करी लीव्स में कुछ ऐसे डार्कनिंग एजेंट होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं, बीटा कैरेटिन होता है जो न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को जल्दी सफ़ेद होने नहीं देती करी लीव्स, मीठे नीम की ये पत्तियाँ। 1 चम्मच मेथी के बीज, 1 चम्मच ये कलौंजी, जैसे इसके बीज काले काले दिख रहे हैं ना मंगरैल के, बिल्कुल ऐसे ही ये हमारे सफ़ेद बालों को काला बनाते हैं। चाहे कितने भी रूखे सूखे बेजान बाल हों, मेथी को लगाना स्टार्ट करेंगे ना, बालों में जान आ जाएगी। 1 मुट्ठी करी लीव्स ली है, फेनुग्रीक सीड लिया है और मंगरैला लिया है। मंगरैल के बीज प्रोटीन से भरपूर होते हैं, हेयर फॉल को तेज़ी से कंट्रोल करते हैं। 1 चम्मच मैंने बीटरूट जूस लिया है, आयरन से भरपूर होता है चुकंदर बीटरूट, खाने में भी इस्तेमाल करें बीटरूट का सेवन। 1 चम्मच बीटरूट या जूस पिएं जैसा आपको अच्छा लगता है, या खाने में डालें, दाल सब्जी में ग्रेट किया हुआ बीटरूट जरूर डालें, कलर भी आता है खाने में, साथ ही साथ खून की कमी को दूर करता है चुकंदर। वैसे ही हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हमारे स्कैल्प का हेल्दी होना ज़रूरी है, अपने आप ही हमारा हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। अच्छी तरह से इसे बॉईल करें, उबाल लें, कम से कम 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर आपको इसे उबालना है ताकि सारी चीज़ों की गुडनेस इस टॉनिक में आ जाए। इतना पावरफुल हेयर टॉनिक है दोस्तों, बाज़ार में मिलने वाले केमिकल वाले हेयर टॉनिक का, हेयर सीरम का इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पर इस नेचुरल चीज़ का इस्तेमाल करें, जो कि आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। जब मेलानिन का उत्पादन बढ़ता है तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं, उम्र आने पर ही बाल सफ़ेद होंगे। बढ़िया, अच्छी सारी चीज़ें उबल चुकी हैं, मेथी, कलौंजी, करी लीव्स और बीटरूट, ये सारी चीज़ों की गुडनेस एक्सट्रैक्ट इसमें आ चुका है, छान लीजिए। इस टॉनिक को सप्ताह में 2 बार बालों की जड़ों पर लगाएं, ऐसे ही टॉनिक के रूप में इस्तेमाल करें। आप चाहें तो 1 घंटे बाद हेयर वॉश करें, या टॉनिक को हल्का हल्का सा लगे रहने दीजिए, नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर सकते हैं। जैसे तेल कैसे हम लोग रात भर लगा कर रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो और इसके अलावा आप जब शैम्पू करते हैं ना दोस्तों, तो शैम्पू को डाइल्यूट करने के लिए भी इस टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कॉटन ले लीजिए, रुई ले लीजिए और कॉटन की सहायता से धीरे धीरे इस टॉनिक को जड़ों पर लगाना है। ड्रॉपर है तो कोई सा ड्रॉपर ले लीजिए, ताकि सारी रूट्स जो हैं बालों की, उन्हें इतना अच्छा जब पोषण मिलेगा, अपने आप वे जड़ से मजबूत हो जाएंगी और बालों का झड़ना रुकेगा। शैम्पू में मिलाकर लगा सकते हैं। तीसरा तरीका है, अगर बालों को कलर करने मेहंदी लगाते हैं या इंडिगो पाउडर लगाते हैं, तो उसे मिक्स करने के लिए इस हेयर टॉनिक का इस्तेमाल करें। मैंने इस हेयर टॉनिक में कम से कम 5 चम्मच मेहंदी डालूंगी, और मेहंदी इंडिगो पाउडर कभी बालों को नुकसान नहीं करते हैं। ये दोनों चीज़ें पौधे की पत्तियाँ हैं, एक हर्ब्स होता है दोस्तों, इनका पौधा होता है, और इसी की पत्तियों को सुखाकर पीस कर इनका पाउडर बनाया जाता है। और बालों को कलर करने के लिए पुराने समय से ही मेहंदी इंडिगो पाउडर का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। दोनों फ़ायदेमंद है, दोनों में से जो भी आप पसंद करते हैं लगाना लगा सकते हैं। मेहंदी को रात भर भिगाएं तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मेहंदी अपने डाई को लोहे के बर्तन में ज़्यादा अच्छा रिलीज़ करती है, परंतु इंडिगो पाउडर को झटपट बनाकर लगा सकते हैं बालों को काला करने। मेहंदी बालों को पोषण देती है, बालों को कंडीशन करती है, बालों को कलर देती है। 2 बड़ा चम्मच दही डाला है मैंने, ताकि हमारे बालों से
स्कैल्प से ड्राइनेस की समस्या दूर हो सके। कई बार हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा सूखापन होता है, ड्राइनेस होती है, उससे भी हमें बहुत हेयर फॉल होता है। एक लोहे का बर्तन ले लीजिए, लोहे के बर्तन में, तो लोहे की कढ़ाई में मैंने इसको इसलिए डाला है, अभी आप देखिएगा इसका कलर बदल जाएगा। मेहंदी जो होती है दोस्तों लोहे के बर्तन में ज़्यादा अच्छा अपने डाई को रिलीज़ करती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वैसे तो रात भर भिगाते हैं मेहंदी को, टाइम नहीं है ना, मेरे पास भी कई बार टाइम नहीं होता, मैं तुरंत भी लगा लेती हूँ, और बालों पर आधे घंटे लगा कर रखिए। निकाल लिया है एक प्लास्टिक के कटोरे में, थोड़ा थोड़ा सा लेते जाइए, ये देखिए इस तरह से जड़ों से लेकर लंबाई तक लगाइए, बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, और इसके साथ ही साथ जो बाल हैं हमारे अच्छे होंगे, उनमें कालापन आएगा, घनापन आएगा, हेयर फॉल भी कंट्रोल में आएगा। तो इस तरह से मैंने पूरे बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक इसे लगा लिया है, और मैं खुद दोस्तों आज 58 ईयर की हूँ, और इस उम्र में मेरे कुछ कुछ बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हुए, ज़्यादा सफ़ेद नहीं हुए हैं, केवल कुछ कुछ बाल ही सफ़ेद हुए हैं। और जितना हो सके नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें, प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, बाज़ार के केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बचे कुचे काले बाल जो है ना वो भी सफ़ेद हो जाएंगे। प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करिएगा, थोड़ा थोड़ा सा इसे लेते जाना है, और फिर इसे बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक इसे लगाना है। चाहे ना तो कोई शॉवर कैप पहन लीजिए, ताकि हमारे बाल बहुत ज़्यादा सूखने ना पाएँ, और लंबाई पर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे आपके बालों की जड़ों को पोषण मिलेगा। मैंने इतनी हेल्दी चीज़ें डाली हैं, आधे घंटे आपको लगा कर रखना है, आधे घंटे के बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको केवल प्लेन वाटर से हेयर वॉश करना है, शैम्पू कंडीशनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इतनी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अपना असर दिखाएंगी, कमज़ोर बाल मजबूत होंगे, नए बालों को उगाने में मदद करेगा ये जो हमने हेयर टॉनिक इसमें डाला है, और साथ ही साथ आपके बालों में घनापन आएगा, जल्दी बाल सफ़ेद नहीं होंगे। और इसे लगाने से सभी उम्र वाले इसे लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो परिवार को मेरे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टिप्स थिएटर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा, रेमेडी को ट्राई ज़रूर करें।